Brought to you by Coldural All-in-One. जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे दस लक्षण. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्डरन ऑल इन वन. आपने किडनी स्टोन के बारे में सुना होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने टॉन्सिल स्टोन के बारे में सुना है? जी, आपके टॉन्सिल में भी स्टोन होते हैं. हमें सेहत पर मेल आया पवन का. 32 साल के हैं, पटना के रहने वाले हैं. उन्हें हमेशा से ही टॉन्सिल से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती थी. जब भी वो कुछ ठंडा खा लेते थे या पी लेते थे तो उनकी टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती थी, जिससे उन्हें निगलने में दर्द होता था, गले में दर्द होता था. कुछ दिनों बाद ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक भी हो जाती थी, पर कुछ महीने पहले उन्हें खाना खाने में ज़्यादा तकलीफ होने लगी, यानी निगलने में बहुत दर्द होने लगा, टॉन्सिल में सूजन महसूस होने लगी. जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उनकी जाँच हुई, पता चला कि उनके टॉन्सिल में स्टोन है, जिसे निकालने के लिए उन्हें एक छोटी सी सर्जरी तक करवानी पड़ी. पवन चाहते हैं कि हम टॉन्सिल स्टोन के बारे में अपने शो पर बात करें. ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, ये सब डॉक्टर से बात करके लोगों को बताएं. तो सबसे पहले जान लीजिए कि टॉन्सिल स्टोन क्या होता है. टॉन्सिल आपके गले के पीछे अंडाकार शेप के दो टिश्यूज होते हैं, जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस को प्रिवेंट करते हैं और आपकी बॉडी को रोग कई रोगों से बचाते हैं. हमारे टॉन्सिल के अंदर बहुत सारी दरारें, सुरंगें या गड्ढे होते हैं, जिनको क्रेप्स कहते हैं. हम कोई भी इन दरारों में गंदगी, बैक्टीरिया का स्लफ या डेड टिश्यूज, इसके अंदर खाना खाने का टिश्यूज अंदर फंस जाते हैं, और जिसमें ये बैक्टीरिया के कारण ये एक छोटे छोटे पत्थर जैसे स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, और उसकी डिग्रेडेशन होने की वजह से सफ़ेद रंग का दाना बन जाता है, जिसको टॉन्सिल स्टोन कहते हैं. ये टॉन्सिल स्टोन में भी स्मॉल दाल के बराबर का होता है, या एक इट कैन बी लाइक अ ग्रेप, इतना बड़ा ग्रेप जैसा बन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन क्रेप्स का गड्ढा कितना बड़ा है. विशेष रूप से टॉन्सिल स्टोन कभी ज़्यादा तंग नहीं करता. टॉन्सिल स्टोन केवल आपको, पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसके मुंह में टॉन्सिल स्टोन है, जब तक वो पूरी तरह से मुंह ना खोले और वाइट कलर का पैच मिले. कभी कभी पेशेंट्स बहुत भयभीत हो जाते हैं कि ये इन्फेक्शन है या पस है, और अननेसेसरी एंटीबायोटिक भी खाते हैं इसके लिए, जो कि हमें नहीं खानी चाहिए. महज नमक के पानी के गरारे से एक दो दिन में टॉन्सिल्स के स्टोन अपने आप निकल जाते हैं. ये मुंह खोलने के ऊपर कभी कभी सख्त पत्थर की तरह नजर आते हैं, और अक्सर पाया जाता है कि ये जो पेशेंट्स माउथ ब्रीदर्स होते हैं, जो मुंह खोल के सांस लेते हैं, या फिर जिनको डेंटल हाइजीन बहुत अच्छी नहीं होती है, या जो साइनस के मरीज होते हैं, या जिनको बार बार टॉन्सिल टिश्यूज के अंदर इन्फेक्शन होती है, उनमें ये अक्सर पाए जाते हैं. ऑल्दो टॉन्सिल स्टोन बहुत भयंकर रूप से आपको तकलीफ नहीं देते, कुछ केसेस के अंदर टॉन्सिल स्टोन हमको काफी हद तक तंग करते हैं, जिनमें रिपीटेडली इन्फेक्शंस हो जाते हैं, टॉन्सिल्स का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट को बुखार आ सकता है, खाना खाने में तकलीफ हो सकती है, निकलने में परेशानी होती है. बट सबसे बड़ी जो तकलीफ इसमें आती है वो है मुंह से बदबू आना. मुंह से बदबू आना, निगलने में परेशानी, कान का दर्द या इरिटेबल कफ, ड्राई कफ. अगर ये परेशानियां बार बार हो, मरीज को तकलीफ रिपीटेडली हो, और रिपीटेड एंटीबायोटिक देने के बाद भी इससे आराम ना मिले, तब इसका इलाज सर्जिकल होता है. या तो टॉन्सिल्स को पूरी तरह से लेजर के द्वारा निकाल दिया जाता है, नहीं तो आजकल एक नई टेक्निक आई है जिसको कहते हैं कोबुलेशन टेक्निक, जिसके अंदर, जिसको कहते हैं क्रिप्टोलिसिस ऑफ कोबुलेशन, जिसमें हम टॉन्सिल्स की जो पॉकेट्स हैं उन्हीं को खत्म कर देते हैं और एक पॉकेट बना देते हैं, ताकि उसके अंदर खाना ना फंसे. अगर प्रिवेंशन किया जाए तो बेसिक होम रेमेडीज से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं, जैसे ओरल हाइजीन, नियमित रूप से सुबह और शाम ब्रश करना,
जीभ को साफ रखना, जीभ को ब्रश से क्लीन करना। अगर आपको एसिडिटी रहती है तो एसिडिटी के लिए चाय, कॉफ़ी, मसालों या फ्राइड फूड का प्रयोग ना करें। स्मोकिंग एक बहुत ही और तंबाकू खाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है जिससे कि आप टॉन्सिल स्टोन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। खूब हाइड्रेट रखें, पानी खूब पिए, उससे भी टॉन्सिल स्टोन बनने की क्षमता कम हो जाती है। और जिन लोगों में टॉन्सिल स्टोन बनते हैं और अगर फाउल स्मेल आती है, बदबू आती है, तो नमक के साधारण नमक और मीठा सोडा या गुनगुना पानी करके अगर सुबह शाम लगातार नियमित रूप से गरारे करें तो ना केवल गंध खत्म हो जाती है बल्कि ये क्रेप्स जो जहाँ पर ये टॉन्सिल स्टोन फंसे हुए होते हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, टॉन्सिल स्टोन वैसे तो कोई दिक्कत नहीं देता है, पर हाँ अगर इसका साइज बढ़ गया तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अगर आपको डॉक्टर के बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से मिलिए ताकि सही समय पर आपको इलाज मिल सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए आपके शरीर पर तिल क्यों बन जाते हैं। तिल, अब कई लोग इसे खूबसूरती की निशानी भी मानते हैं, खासतौर पर अगर ये होठों के ऊपर हो तो। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर पर तिल कहाँ से आते हैं, क्यों होते हैं? यह हमें बताया डॉक्टर डीएम महाजन ने। देखिए, हमारी स्किन बनी होती है सेल्स से, यानी किसी भी चीज़ का सबसे छोटा कण। बहुत बहुत सारे कण मिलकर कोई भी चीज़ बनाते हैं, इस केस में आपकी स्किन। ऐसे ही स्किन सेल्स का नाम है मेलानोसाइट्स। जब ये गुच्छे में बनते हैं, आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, तो अपने आप बनते हैं ये तिल। मेलानोसाइट्स आपकी स्किन में हर जगह मौजूद होते हैं। ये बनाते हैं मेलानिन, वो चीज़ जो आपकी स्किन का कलर तय करती है, यानी आपका कॉम्प्लेक्शन तय करती है। अब तिल होना बहुत ही आम बात है। जिन लोगों की स्किन लाइट होती है उनकी स्किन पर तिल ज़्यादा होते हैं। वैसे तो तिल ज़्यादातर बचपन या फिर 10 से 19 साल की उम्र में निकल आते हैं, जितने निकलने होते हैं। ये 40 साल तक की उम्र में भी निकल सकते हैं। ज़्यादातर तिल शरीर के उस हिस्से पर निकलते हैं जो सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं। डॉक्टर महाजन के मुताबिक तिल के बनने में सूरज की रोशनी का संपर्क में आना एक बड़ा कारण है। तिल सूरज की रोशनी के खिलाफ एक तरह से सुरक्षा है, ताकि हमारी स्किन जल ना जाए। वहीं तिल के बनने में जेनेटिक्स की भी अहम भूमिका होती है। उम्र के साथ इनका रंग और साइज भी बदलता है। पर आपने देखा होगा कि आपकी स्किन पर ऐसी जगह तिल निकल आता है जहां पहले कभी नहीं था, यानी नए तिल भी निकलते रहते हैं उम्र के साथ। इसके पीछे वजह होती है शरीर में हार्मोनल बदलाव, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान। एक ज़रूरी बात, अगर उम्र के साथ आपके तिल का रंग या फिर साइज बदल रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कैंसर की निशानी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा तिल बन रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं होता। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप धूप में ज़्यादा ना निकले। अगर धूप में निकल भी रहे हैं तो खुद को अच्छे से कवर करें, स्किन पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ये ध्यान रखें कि सनस्क्रीन का असर 3 घंटे तक ही रहता है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। आज बात करेंगे एलोवेरा जूस के साइड इफेक्ट्स के बारे में, और अगर आप एलोवेरा का जूस पीते हैं तो किन बातों का खास ख्याल रखिए। एलोवेरा जूस हेल्थ ड्रिंक के तौर पर काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, और बात जब एलोवेरा की आती है तो हमेशा इनके फ़ायदों के बारे में ही बात होती है। अब इसके नुकसान भी होते हैं ये तो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हर चीज़ की तरह इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए एलोवेरा जूस पीने वालों को कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी कहती हैं कि बेहतर होगा कि एलोवेरा जूस लेना शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ली जाए। ये ब्लड शुगर लेवल में गिरावट कर सकता है, खासकर अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर इंसुलिन से जुड़ी कोई दूसरी दिक्कत है। अगर आप रोज़ाना एलोवेरा जूस पीते हैं तो कोशिश करिए कि आप इसकी मात्रा कम रखें, क्योंकि ये आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बिगाड़ सकता है, इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। एलोवेरा में लैक्सेटिव मतलब पेट साफ करने की प्रॉपर्टी होती है, यह आपके आंतों के काम को प्रभावित कर सकता है। इससे डायरिया यानी दस्त लग सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि एलोवेरा शरीर में पोटेशियम लेवल को बिगाड़ सकता है, जिससे अचानक सिर दर्द हो सकता है। ये दिल की धड़कन को असामान्य कर सकता है, मांसपेशियों में ऐठन भी कर सकता है। एलोवेरा का इस्तेमाल थोड़े समय के लिए और छोटे डोज में करना चाहिए। एलोवेरा की कई सारी वैरायटीज होती हैं, इस बात का खास ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली माओं को एलोवेरा ना लेने की सलाह दी जाती है। सुनीता कहती है कि सेहत के लिहाज से एलोवेरा के अपने फायदे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसान करती है, तो इस बात का ध्यान रखिए।
आज से हद पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।